हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले पूँ, तो मैंने ये काफ़ी, अब देख लो, पता नहीं क्या मैंने इकट्ठा किया है। तो मैंने ये टिश्यूज को वेट करके किया है और उसको ग्राइंडर से ग्राइंड किया। मैंने कलर्स लिए हैं पू वाले, रेड येलो, देखते हैं कौन सा यूज़ करते हैं। और फेविकॉल तो जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको और थोड़ा कर रही थी। अब मैंने इसको ना ऐसे हाथ से थोड़ा, तो मेरे को इतना वो इफेक्ट नहीं लगा था, तो मैंने इसको फिर उठा के दोबारा ग्राइंडर में मार दिया। तो उसमें फेविकॉल डाली, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और इवन कैनवास पेंटिंग मैं पहली बार बना रही हूँ, तो लेट्स सी कैसा बनता है, फर्स्ट टाइम, एंड आई होप अच्छा बने। तो ये मैंने इसमें फेविकॉल और कलर हाथ से, यार मेरे को हाथ से करना पसंद है, तो मैं हाथ से कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाद में हाथ धो लूंगी, आप इसको कुछ सोचना मत कुछ। तो फेविकॉल मेरे को कुछ ऐसा मेरे को आइडिया नहीं था कितनी डालनी है, क्या डालनी है, और बस करती जा रही हूँ फ्लो के साथ। तो ये मैंने मिक्सचर तैयार किया, कलर डाल के, फेविकोल डाल के टिश्यूज के बीच। सो अब टिश्यूज को हम पू के ऊपर लगाई जाएंगे, बस इसको लगाना ही है गाइस। और ये जो प्लकर होता है ना, मैं उसकी हेल्प से लगा रही हूँ, क्योंकि आई थिंक उससे ना सही लग गया। अगर आप हाथ से डब डब करते तो फिर वो इफेक्ट ना, वो पूरा जो टिश्यू है वो क्या कहते हैं उसको, हम ढह जाता है। हाँ, मेरे को लगता है कि वो ढह गया था, तो इस करके। और बस मैं ये येलो पोर्शन कर रही हूँ, मेरे को इतना भी नहीं पता कि येलो ज्यादा लगेगा कम लगेगा, अब देखते जाते हैं हम फ्लो के साथ क्या करते हैं, क्या होता है, लेट्स सी विद द फ्लो ओनली। तो मैंने अब बहुत गाइस, बहुत मेरे को सोचिए, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था मेरे को। बस ये जब मैंने देखी ना ऐसे वीडियोस, तो मेरे को ये काफी फैसिनेटिंग सी लग रही थी, तो मैं जस्ट आई जस्ट वांट टू ट्राई कि कैसे लगेगा। मैं इसके ईयर्स कर रही हूँ, तो बीच बीच में तो मैं अपने फिंगर्स के साथ डैब भी कर रही हूँ, जहाँ जहाँ छोटी छोटी इसकी स्पेस है। अब मेरे को पता नहीं ये मेथड जो मैं कर रही हूँ, मेरे को ऐसा कंफर्टेबल सा लग रहा था तो मैं कर रही हूँ, बाकी अब कुछ कह नहीं सकते। तो हम करते जा रहे हैं पू। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि पू किस किस का फेवरेट था। हमने तो बहुत पू वाले जो कार्टून है, मैंने तो बहुत देखे हैं यार। ये तो पू इज बेस्ट हनी लवर एंड जस्ट अमेजिंग। तो पहले मैंने सोचा था इस पे हनी भी लगा दूँ, हनी लिख दूँ या कुछ हनी हनी कुछ कर दूँ, बट मैंने इसको सिंपल ही रखा है। अभी देखते जाते हैं, कुछ जो दिमाग में आ रहा है मैं वही करूँगी। मैं को बस कुछ कार्टून वाला बनाना था, तो मैंने वो बनाया। अभी येलो वाला पोर्शन हो गया है हमारा, तो येलो के बाद अब मैं रेड कलर मिक्स करूंगी। सेम प्रोसेस मिक्स करेंगे हम, जिससे रेड कलर, फेविकॉल एंड बस करते जाओ करते जाओ। मेरे हाथ को इग्नोर करना, बहुत मेस हो चुका है रूम येलो रेड कलर मिक्स करते करते। मैंने वो जो टीयर टिश्यूज वेट किए थे ना, उनमें से कुछ पोर्शन ही यूज कर रही हूँ मैं, सारा नहीं यूज कर रही। ये अभी तक तो मेरे को अच्छा लग रहा है, अब देखते जाते हैं क्या बनता है। लेट्स सी क्या बनेगा क्या बनेगा। आपने कभी ऐसे टिश्यू आर्ट ट्राई की है, मेरे को जरूर बताना यार अगर आपने ट्राई किया है। और मेरे को बताना डूज एंड डोज आपने क्या क्या है इसमें किए हैं। तो अभी तक तो मेरे को प्रोसेस काफी अच्छा लग रहा था, तो मैं बस करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ करती जा रही हूँ, देखो क्या बनता है, कुछ अच्छा ही बनेगा। तो बस मैं अभी रेड करने के बाद देखती हूँ, ये हो गया कंप्लीट। अब मैंने ब्लैक किया, सच्ची बताऊँ ब्लैक कलर में मेरे को बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि ब्लैक कलर पता है क्या है, एक तो मेरा येलो है, ऊपर से ब्लैक कलर दिखेगा बहुत, मेरे को इतना डर लग रहा था, मेरे को था कि वो बिगड़ सकता है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि यार फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करी, मेरे को कौन सा इतना वो पता था, तो मैं ब्लैक करी थी। और वही चीज़ हुई जो मैंने आपको बोली थी, इतना ज्यादा मेसी हो गया था ना, मेरे को पता मैंने इसको कैसे सही किया। पहले ब्लैक डाल के येलो डाल के फिर ये मैंने सबकी फिनिशिंग कर दी थी अच्छी तरह से, बट अच्छा लग रहा था ब्लैक से, बट मेरे को बहुत ज्यादा इस पे फिनिशिंग करनी। फिर मैंने सोचा कि जो सारे कलर्स के मैंने किए ना, वो पेस्ट क्यों करने, तो मैंने सारे येलो रेड वाइट सबको मिक्स करके एक ही कलर बना दिया ब्लैक फेविकोल की। और ये जो नीचे आपने ब्लैक ब्लैक देख रहा है ना, वो मैंने टेस्ट किया था कि ब्लैक अच्छा लगेगा कि नहीं, तो फिर मैंने ब्लैक डाल दिया। बस ब्लैक के साथ हम प्लानिंग कर देंगे सबकी अच्छे से। वही मैंने भी ब्लैक कलर बना रही हूँ मैं,
और ब्लैक कलर की खा देते, गंदे हो गए ना, सच्ची में क्या बताऊं मैं। सीरियसली गाइस, बस मैं ब्लैक कलर टेस्ट कर रही थी कि चिपक रहा है, तो अगर नहीं चिपक रहा होता तो मैं ग्लू लगा डाल रही थी बीच में, बस अपने एस्टिमेट के साथ साथ। बस इसको मैं ऐसे ही कंप्लीट करती जाऊंगी, मेरे नेल्स भी इवन ब्लैक हो चुके हैं पूरे अच्छी तरह। और ये था फाइनल लुक एंड फर्स्ट लुकिंग सुपर क्यूट यार, बहुत अच्छा लग रहा था एज अ फर्स्ट मैंने ट्राई किया था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर।